नमस्ते जी, कैसे हैं सब लोग? आज और एक नई बिगिनर्स के लिए जो है वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही स्पेशल एक गाना है मेरा। मतलब आई थिंक आपके लिए वो ना हो, बट मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि बांसुरी जब मैंने पकड़ी थी और जब मेरी बिगिनिंग की जो भी प्रैक्टिस होती है बिगिनर्स के लिए, एक्सरसाइज वगैरह, वो प्रैक्टिस करने के बाद जो पहला गाना मैंने बजाया था वो गाना ये है, बॉडीगार्ड मूवी का तेरी मेरी। बहुत ही इजी था और आई थिंक मैंने वो उसी दिन, मतलब जिस दिन मैंने वो बजाने की कोशिश की थी या फिर मैं प्रैक्टिस कर रहा था, उसी दिन मैंने ऑलमोस्ट उसको अच्छे से बजा लिया था। तो मुझे पता है कि अगर आपने बिगिनिंग की जो भी प्रैक्टिस है, फिंगर एक्सरसाइज हो, ताल के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस हो, वो अगर आपने किया हो तो 101% आप ये गाना बजा सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो ये जो वीडियोस है अभी आएंगी वो स्पेशली बिगिनर्स सॉन्ग है, बिगिनर्स के लिए सॉन्ग है, जो आपकी जो एक्सरसाइज होती है, बिगिनिंग की जो भी एक्सरसाइज होती है वो थोड़ी बहुत बोरिंग होती है, बार बार कर करके एक बोर्डम सा आ जाता है। तो उसके बीच में कुछ छोटी सी ही लाइनें क्यों ना हो, गाने की एक दो लाइनें या फिर थोड़ा बहुत ट्यून का जो पार्ट है वो अगर आप बजा लो तो आपको भी थोड़ा सा मोटिवेट होगा, अच्छा लगेगा, आप कुछ बजा रहे हो ऐसा लगेगा। इसलिए ये मैं जो वीडियोस है वो डाल रहा हूँ जिसमें स्पेशली बिगनर्स के लिए सॉन्ग्स होंगे। ओके, सो आज का जो सॉन्ग है वो है बॉडीगार्ड मूवी का तेरी मेरी, प्रेम कहानी जो है वो हम बजाएंगे, और उसकी एक दो लाइनें जो है मैं नोटेशंस आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है वो, आप ज़रूर ट्राई करिए। साइड फ्लूट हो, स्ट्रेट फ्लूट हो, किसी के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी जो मेरी स्ट्रेट फ्लूट है वो ले लेता हूँ और उस स्ट्रेट फ्लूट के ऊपर मैं आपको उसके नोटेशंस बताऊँगा। चलो, सबसे पहले गाना तो आपको पता ही होगा, है ना? फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कैसे होने वाला है वो। ये एक लाइन थी, यही लाइन एग्जैक्टली मैं बजाया था जब मैं बांसुरी के फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हुई थी एंड मैं मोटिवेट भी फील कर रहा था, क्योंकि उस टाइम मुझे लगा था कि या मैं भी बांसुरी अब बजा सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल नोटेशंस है, मैं बेसिक ही बजा रहा हूँ, है ना? नहीं तो कोई कमेंट करेगा कि कितना सिंपल सा बजाता है, क्या सिखाता है। ऐसा नहीं है, मैं इसको एडवांस में भी गमक मेंड ये सब यूज़ करके बजा सकता हूँ, बट बिगिनर्स के वो सब सर के ऊपर चला जाएगा, तो मैं बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ। ठीक है ना? ओके okay. ध रे ग ध ग रे ग सा सा रे ग सॉरी ध ग रे ग सा रे ग रे सा। ठीक है, सिंपल, ध ग रे ग सा रे ग रे सा। बोलिए जितना
मेरे साथ गाने की कोशिश करेंगे, नोटेशंस को याद करके बजाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका सुर का जो सेंस है वो अच्छा डेवलप होगा। ठीक है, तो मेरे साथ गाने की कोशिश करिए। आगे का लाइन, रे ग रे सा नी ध नी ध प, रे ग रे सा नी ध नी ध प। फिर से स्टार्टिंग से, ध ग रे ग सा रे ग रे सा रे ग रे सा नी ध नी ध प। प ध नी ध सा, प ध नी ध सा नी रे, प ध नी ध सा नी रे, ग रे सा नी ध ध। ठीक है, प ध नी ध सा नी रे, ग रे सा नी ध ध। फिर से, सिंपल सी लाइन है एक, जिसमें कि आप ये गाने की स्टार्टिंग जो है आप बजा सकते हो। ठीक है, मैं बहुत बड़ा गाना या फिर पूरा गाना लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाई है, जो कि अपनी एक्सरसाइज ये सारी बजाते वक्त ये थोड़ा बहुत एक उनको अच्छा फील हो, मोटिवेटेड फील हो, इसलिए ये मैंने बताया है। ठीक है, तो इतना सा भी अगर आप लाइन बजाते हो तो आपको आई थिंक मेरे हिसाब से, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी जब मैंने इतना बजाया था, तो आपको भी ज़रूर इसे मोटिवेट फील होगा, और आप कुछ बजा रहे हो ऐसा भी आपको ज़रूर फील होगा। ठीक है, सो इसी तरह कुछ बिगिनर्स के लिए जो गाने हैं, जो कि मैंने भी मेरे स्टार्टिंग के प्रैक्टिस में बजाए थे, वही कुछ गाने मैं आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो लेके आऊँगा। भले ही एक लाइन हो, दो लाइन हो, बट आप उनको बजाएंगे आपके बिगिनिंग स्टेज में, तो आपको ज़रूर एक खुशी मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा, और बांसुरी की जो जर्नी है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से और भी कुछ वीडियोज़ आएंगे जो कि बिगिनर्स के लिए होंगे ओनली। ठीक है ना, नहीं तो कोई भी आएगा और बोलेगा कितना बेसिक सा बजा रहा है, तो बेसिक सा मैं इसीलिए बजा रहा हूँ ताकि बिगिनर्स को अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड बाय।